देखो भाई क्या बोला इस क्वेश्चन में कि टू वेव पल्सेस ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग एंड अप्रोच ईच अदर। तो जैसे यहाँ पर एक रस्सी है, उसमें दो वेव्स आ रही हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और साथ ही साथ लिखा हुआ है द शेप ऑफ द वन पल्स इज़ इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू अदर। तो एक वेव पल्स ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, द पल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर एंड वैनिश आफ्टर कोलिजन। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, कोलिजन कुछ होता ही नहीं है वेव में, है ना। वेव कोलाइड करती ही नहीं, पहली बात तो ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट को तो रिजेक्ट करते हैं। बी पढ़ते हैं, द पल्सेस विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द पल्स गोइंग टूवर्ड्स राइट विल फाइनली मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। ऐसा भी कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब एक वेव दूसरी वेव से टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होता वहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है। तो बी भी गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं, द पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर बट देयर शेप्स विल बी मॉडिफाइड। देखो भाई ऐसा नहीं होता, जब दो पल्स आपस में एक दूसरे के से पास थ्रू होती हैं, पास तो होती है ना। एक्चुअल में इसका आंसर डी है, ये तो गलत है। द पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर विदाउट एनी चेंज इन देयर शेप, है ना। अब समझो बात को, शेप क्यों नहीं चेंज होगा, इस चीज़ को समझो। जैसे भाई मान लो मैं एक सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये तो एक स्ट्रिंग वेव है ना। लेकिन जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर भी स्ट्रिंग वेव से मैच करता है, हर वेव का नेचर मैच करता है दूसरी वेव से, सभी वेव सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। अब जैसे मान लो कि दो बंदे हैं, है ना, दोनों के पास मोबाइल है, दोनों के पास मोबाइल फोन है, ठीक है। अब सोचो कि इन दोनों फोन में बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर टावर है अपना मोबाइल नेटवर्क टावर, है ना। अब भाई सोचो, अब ये सिग्नल इन दोनों मोबाइल फोन से सिग्नल यहाँ जा रहा है ऐसे, और यहाँ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या होएगा, ये दोनों सिग्नल एक दूसरे से पास होएगा, पर क्या ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, अगर शेप इनका बदल जाएगा, सोचो ये बोल रहा है मान लो राम बोल रहा है ये फोन में, और ये बोल रहा है श्याम कि मैं श्याम हूँ और मैं राम हूँ, तो ये सिग्नल टकरा टुकरी के ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि मैं राम हूँ लेकिन सुनाई देगा मैं गीता हूँ, और ये बोल रहा है कि मैं श्याम हूँ लेकिन सुनाई देगा कि मैं सीता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, है ना। राम बोल रहा है तो राम ही सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है कि वेव जब एक दूसरे से पास होती है तो कुछ डिस्टॉर्शन नहीं होता उनके शेप में। अगर ऐसा होता तो सोचो पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फेल हो जाता, एक दूसरे से वेव्स टकराती और पूरा डिस्टॉर्शन हो जाता, सब बर्बाद हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, सिंपली आपको ये चीज़ याद भी रखनी है ना, और समझनी भी है कि जब भी दो कोई वेव आपस में, चाहे वो रस्सी स्ट्रिंग वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, व्हेन दे पास थ्रू ईच अदर देयर शेप डू नॉट गेट चेंज, दैट्स इट, है ना।